हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी मैं अपने गार्डन में आई ना ऑफिस से आने के बाद, तो मैं रोज आती हूँ। जैसे मैं ऑफिस से आती हूँ तो आकर के 1 घंटा अपने गार्डन में सुबह या शाम को जरूर लगाती हूँ। ये मेरा बिल्कुल फिक्स टाइम है। अगर मैं रोज इसे नहीं देखूंगी तो 1 दिन 2 दिन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि घास फूस बीट्स वगैरह उगाते हैं। कुछ उसमें जहरीले पौधे होते हैं जो प्लांट्स को रूट के अंदर से खाते रहते हैं और 10 दिन 15 दिन के बाद वो प्लांट जो है खराब हो जाता है या मर जाता है। तो अगर हम उसे नज़रअंदाज कर दें और हम ये सोचें कि चलो इसको 2 दिन के बाद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब की ज़िंदगी भी ऐसी ही है साथियों। आप सबको पर्टिकुलरली ये इस बात का याद दिलाने के लिए मैंने आप सबसे मुलाकात करती हूँ, बात करती हूँ कि अगर आपको कहीं किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी को जॉइंट्स में, किसी को उंगलियों में, किसी को कलाई में, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, या कहीं बदन में बॉडी में ईचिंग हो रही है, या आँख में दर्द हो रहा है, आँखों में जलन हो रहा है, तो 1-2 दिन तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, पर इसे इतना नज़रअंदाज मत करिए कि बाद में इसका परिणाम जो है घातक हो जाए। फौरन ही हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैं आप सब के लिए भी चिंतित रहती हूँ और ख़ुद के लिए भी चिंतित रहती हूँ। आप सब पूछते रहते हैं कि कैसे सरिता इतना सारा आप काम कर पाती हो इस उम्र में। मतलब मैं 60 की हो गई हूँ, मैं ऑफिस भी अभी जा रही हूँ, 6-7 महीने रह गए हैं मुझे रिटायर होने में। मैं गार्डनिंग भी कर रही हूँ, घर का भी काम करती हूँ, रिश्ते नाते जो भी है, आना जाना सब कुछ मैं उसको मैनेज करती रहती हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पर्टिकुलर रहती हूँ हर चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आप सब से भी इस बात के लिए गुजारिश मैं करती हूँ कि भाई आप सबको भी अगर ये छोटी छोटी चीज़ें बीमारियाँ हो रही हैं तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। अगर मैं ये प्लांट्स के अंदर जो बीट्स वगैरह हैं इन्हें छोड़ दूंगी तो सोचिए कि प्लांट्स का क्या हाल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैं आप तक मैसेज पहुँचाना चाहती थी, जो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, आप सब समझ रहे होंगे, तो ज़रूर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो चिकित्सक को दिखाइए, यानी डॉक्टर के पास जाइए। खुद के डॉक्टर खुद मत बन जाइए। आपसे बातें करने के बाद जो भी गार्डन में मुझे काम करना था वो सारा काम किया और उसके बाद नीचे आ गई। घर की जो सफाई होती है वो सुबह करके जा चुकी होती है हमारी जो हेल्पर है। उसके बाद जो मैं ऑफिस से आती हूँ तो आके सब कुछ देखती हूँ। ये देख रहे हैं ये बुके 24 दिसंबर को लेकर के आए थे हम, और तब से अभी तक मेरे पास ये तरोताज़ा है। इसके पानी जो है हर हफ्ते में बदल रही हूँ और चेंज करती रहती हूँ। अब आज करीब 24-25 दिन हो गए ना, 24 तारीख से आप गिन लीजिए। तो ये देख रहे हैं, आपको मैं यही दिखा रही थी कि इसमें से थोड़े से फूल अब झड़ने लग गए हैं, और जो फूल झड़ रहे हैं उसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, हमेशा से ऐसे ही है ये, उसमें पानी में डाल के और बोल में, और इसे मैं ड्राइंग रूम में रख देती हूँ, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ रखती हूँ। ये इसमें भी तकरीबन 1 हफ्ते ये चलेगा। अब ये इतने दिन तक मेरे पास ऑर्किड का ये बुके कैसे चलता है उसको आपको मैं दिखा रही हूँ। एक तो पानी में चेंज करती रहती हूँ, ऊपर से अगर फूल गिर जाते हैं, अगर डंडियाँ निकल आती हैं तो ऐसे सीजर से मैं ऊपर से कट करके और नीचे की तरफ की जो डंडियाँ होती हैं ये उसको अच्छे से वॉश करके, पानी चेंज करके फ्रेश, और फिर से रख देती हूँ। देखिए तरोताज़ा बिल्कुल लग रहा है ना कि अभी अभी बुके लेकर के मैं आई हूँ। तो इस तरीके से अगर आप पानी बदलते रहेंगे तो आपका भी बुके बहुत तरोताज़ा तकरीबन 1 से 1.5 महीना तक चलता है इन सर्दियों में। अब उसके बाद सफाई कर लिया मैंने, तो बेसिन वगैरह को क्लीन करके साफ़ करके, और मैंने कहा कि अपने इस खूबसूरत से बुके को फिर से उसकी अपनी जगह पे ला करके मैं रख देती हूँ। साथियों, इस वक्त मैं कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है। वजह यह है कि गार्डन में ना, अब साथियों इस वक्त ना कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है, उसकी वजह यह है कि गार्डन में आज बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत कर ली। भारी भारी जो प्लांटर्स थे ना उनको रीप्लेस करना था, तो अलग अलग जगह से उठा के दूसरी तरफ रखना था, तो वो सारा कुछ करते हुए बहुत ज़्यादा मैं उसमें थक गई थी। उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया आकर के, बहुत देर तक, करीब 3:30 बजे मैंने खाना खाया है। तो अब इस वक्त उतना सारा काम मैं इस यहाँ पे शूट तो कर नहीं सकती थी और आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो मैं आ करके अब 3:30-4 बजे जब खाना खाया तो उसके बाद मैं बैठी हुई थी, तो एक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं अपनी आज के ही वीडियो में
मतलब कल के वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो तो आपके पास कल जाएगा, तो आज के वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए थे, तो मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें भी पूछा था, जो सूट पहन के मैं फंक्शन में गई थी, कि मैं कैसी लग रही हूँ। अक्सर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आज मात्र 15 कमेंट्स आए हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अभी साथियों का नाम ही बता देती हूँ। इतने प्यार से सबने लिखा है और जल्दी जल्दी मैं पढ़ने की भी कोशिश करूँगी अगर मैं पढ़ पाई तो। तो 15 साथियों का है कमेंट। और वैसे मैं आप सबको बता देती हूँ कि पिछले बहुत दिनों से जो मेरे साथी हैं, सब्सक्राइबर मित्र हैं, उनके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। कहीं 10 आते हैं, कहीं 12 आते हैं, कभी अच्छे भी आ जाते हैं, जैसे 3-4 दिन पहले 46-47 आए थे। खैर, आज का जो कमेंट है 15 हमारे साथियों का, सबका फटाफट में कमेंट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले राजीव का आया है, कहते बहुत खूबसूरत लग रही है मैम, थैंक यू। माय स्वीट होम हमारी एक सब्सक्राइबर मित्र है, जो जिनका चैनल है शायद, कहती है गज़ब की खूबसूरत लग रही हैं आप, शुक्रिया माय स्वीट होम। मंजू गुप्ता जी हैं, कहती हैं आज आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं दीदी। और एजा आलमस है, बहुत खूबसूरत सूट है आपका, कलर और लटकन जो है सूट में दिखाया था ज़बरदस्त है, 4 चांद लगा दिया है जिसे इसने पहना है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा, बहुत सारा प्यार। आर्ट फैक्ट्री पीडी, इन्होंने लिखा मैम आप बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू प्रीति, मुझे मालूम है ये आर्ट फैक्ट्री पीडी जिनका चैनल है उनका नाम प्रीति है। सीमा गांधी जी ने भी बहुत प्यार से लिखा है, और लिखते हैं कि लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सीमा। और सुनीता ठाकुर जी लिखती हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रहे हो आप, बिल्कुल अनारकली लग रहे हो, लव यू मैम, कहीं हम हमारी ही नज़र ना लग जाए। अरे अपनों की कहीं नज़र लगती है क्या? नहीं नज़र लगती है मुझे, और फिर इस उम्र में क्या नज़र लगने वाली है। सुरजीत कौर जी हैं, ये लिखती है नाइस वीडियो, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल दी, लव यू दी, थैंक यू सुरजीत, लव यू टू। वाह जिंदगी विद परी शायद है, या प्रियंका, सॉरी हाँ, वाह जिंदगी विद प्रियंका ये चैनल है, उन्होंने भी लिखा है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल दी लिखा है। निखत जहाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त ड्रेस बनवाई है आपने शादी की, आप भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं निखत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रीति प्रांजल है, वाह मैम आप कितने सुंदर लग रहे हो ट्रेडिशनल लुक में, थैंक यू प्रीति। और ये हैं मिसेस मुगल, अस्सलाम वालेकुम सरिता जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, ड्रेस ने 4 चांद लगा दिया माशाल्लाह, खुश रहिए मुस्कुराती रहें आमीन, इन्होंने लिखा है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड मिसेस मुगल, बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स आते हैं, ये तो एक बहाना होता है आप सबसे गुफ्तगू करने का, बातचीत करते रहने का सिलसिला एक बना रहता है, वरना बहुत सारी चीज़ें और भी हमारे साथ ही लिखते रहते हैं। शीला लर्निंग आस में इन्होंने लिखा है कि यू आर लुकिंग सो प्रिटी इन दिस ड्रेस सरिता जी, ब्लेसिंग टू द यंग कप। अच्छा, जो जिनके इंगेजमेंट में गई थी ना, नाइस ब्लॉग, थैंक यू शीला, लव यू। कैसी हो वहाँ तुम्हारे मुंबई में, कैसा चल रहा है मौसम? हालांकि मुझे मालूम है कि मुंबई में अभी इतनी ठंड नहीं है जितनी दिल्ली में है। मोहम्मद अजीम साहब ने लिखा है नाइस ड्रेस, थैंक यू मोहम्मद अजीम जी। तो ये 15 हमारे सब्सक्राइबर थे जिनके की मैंने सारे कमेंट्स पढ़ दिए हैं, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और अब बाकी तो इतनी रात हो गई, कितना टाइम हो रहा है, 10:09 हो रहे हैं, वो वहाँ छत से आने के बाद बस बैठे हुए यही इतना ही काम कर पाई हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ जो प्लानिंग सब चलता रहता है, कभी कभी प्लानिंग फेल भी हो जाती है, क्योंकि घर में अगर 1-2 मेंबर हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो बनाना बहुत आसान है, घर में तो ज़्यादा मेंबर नहीं रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 मेंबर भी जो घर में रह रहे हैं ना, उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, उनकी अपने बातचीत होती हैं, उनके लोगों से फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, तो आपको उतना इत्मीनान मिल नहीं पाता है कि आप कहीं इत्मीनान से बैठ करके वीडियो बना पाएँ, तो ये भी मुश्किलों से 2-4 होना पड़ता है। और जो ब्लॉगर हैं उनको तो पता ही होगा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बहुत इत्मीनान और शांति की ज़रूरत होती है। खैर चलिए, आप सब का प्यार यूँ ही मिलता रहे मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर वीडियो में हमारे जो बिल्कुल
साथी है वो 500-600 जो हमारे साथी है 500-600 साथियों के तो व्यू आते ही हैं और उनमें से कमेंट्स भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं बहुत सारा। तो आप सबका शुक्रिया जो आप सब मेरा मनोबल इतना बढ़ाते रहते हैं। अब आज की वीडियो का यहीं पे समापन करती हूँ, कल मिलते हैं सुबह आप सबसे। तब तक अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। बाय बाय, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। शुरू में वीडियो में मैंने कहा है ना कि सेहत को नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं है तो सेहत का ख्याल रखिए, कल मिलते हैं सुबह। बाय बाय, गुड नाइट।